नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स मैथ लेक्चरर में। और मैं हूं लवकुश मिश्रा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग यूपी पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 का सॉल्व पेपर का आंसर की बताएंगे, यानी इसको हम लोग सॉल्व किए हैं। तो देखिए फटाफट इसको हम लोग केवल ऑप्शन दिखाते हैं। ये देखिए हमारा पहला ऑप्शन है, जैसे एक प्रेक्षक समुद्र के किनारे खड़ा है जो कि प्रति मिनट 54 तरंगे नोट करता है। यदि तरंग की तरंगदैर्ध्य 10 मीटर हो तो तरंग का वेग होगा, ये होगा 9 मीटर प्रति सेकंड। यानी सभी ऑप्शन आप देख लीजिए और मिला लीजिए कि आप लोग कितने क्वेश्चन सही किए हैं। यानी यहाँ पे हमने सॉल्व कर दिया है सभी क्वेश्चन, आप लोग मिला लीजिए और उस हिसाब से जितने भी आप गलत किए हैं, जितने क्वेश्चन उतने ही आप नंबर घटा दीजिएगा पहले पूरा जोड़ने के बाद, ठीक है ना। यानी इसका ये डी नंबर सही है। फिर देखिए ये दूसरा हमारा क्वेश्चन है, दूसरे का डी सही है, 1300 मीटर। ठीक है, याद रखिए हवाई जहाज़ का जो क्वेश्चन है उसका 1300 मीटर सही है। फिर यहाँ पे जो तीसरा क्वेश्चन है, ये हमारा जो फिजिक्स का क्वेश्चन है, तो इसमें 3:2:1 यानी ये जो हमारा एक 4 किलोग्राम का द्रव्यमान तथा दूसरा 1 किलोग्राम द्रव्यमान का एक समान गतिज ऊर्जा से गति कर रहा है, उनके रेखीय संवेग का अनुपात कितना होगा, 2:1। अगला नंबर है 5 एक समान प्रतिरोध जो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं से 5 वाट की पावर उत्सर्जित होती है, यदि उनको समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो उत्सर्जित पावर होगी 125 वाट, ठीक है ना। और 2000 ग्राम का पानी ताप 10 सेंटीमीटर से 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने के लिए, इस तरीके से इस क्वेश्चन को मैंने लगाया है तो 80,000 कैलोरी आया है। कुछ लोग जो है 8,000 कैलोरी पर मार के चले आए हैं, तो 8,000 वाले गलती हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, दो लेंस की क्षमता इतना इतना है तो इसकी फोकस दूरी के लिए 25 सेंटीमीटर सही होगा। फिर देखिए 150 किलोग्राम एक स्कूटर 108 किलोमीटर प्रति घंटा से इतने चाल से गति का आवश्यक बल की गणना कीजिए। यहाँ पे आप लगाएंगे एफ बराबर एम इंटू ए, ठीक है, एम और ये हो जाएगा डेल्टा वी अपान डेल्टा टी। तो एम का मान 150 दिया है और ये 108 किलोमीटर प्रति घंटा जो दिया है इसे आप मीटर प्रति सेकंड बदल के और समय का मान रख देंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है ना। आगे देखिए 5 किलोग्राम की एक बंदूक से इतने गोली चलाई जाती है तो इसका जो वेग होगा वो होगा 0.50 मीटर प्रति सेकंड। एक लेजर सिग्नल चंद्रमा पर भेजा जाता है जो कि टी सेकंड में वापस आता है, यानी जाने और आने का समय। जैसे देखिए मान लीजिए गया कितना दूरी, यस, आया यस, तो 2s दूरी चला, ठीक है, और समय कितना लगा, टी, कितने वेग से गया, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। और यहाँ से दूरी निकालेंगे तो यस बराबर हो जाएगा CT/2, तो ये देखो CT/2 आया है, ठीक है ना। इस तरीके से देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन, ये हमारा 4×8 जूल आएगा, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। ये 10 नंबर क्वेश्चन हो गए। अब आगे देखिए सॉल्व करते हैं 11वें का लैंप वाला जो क्वेश्चन है, 54 जूल प्रति सेकंड है और पृथ्वी की त्रिज्या द्रव्यमान दोनों को 50% कम कर दिया जाए तो गुरुत्वीय त्वरण कितना होगा, तो ये 100% से अधिक होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक कार विरामावस्था से नियत दर अल्फा त्वरण से कुछ समय के लिए, यहाँ पे गति का जो प्रथम नियम है उसको लगाने के बाद सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। फिर देखिए यदि सरल लोलक का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए तो आवर्तकाल, यानी यहाँ पे ये T/2π√L/g लगाएंगे तो ये समान रहेगा, कहीं बदलेगा नहीं, तो इसका नंबर समान बना रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर है एक ही पदार्थ के 2 गोले जिसकी त्रिज्याएं R और 2R कर दिया जाए तो ये हो जाता है, ठीक है ना, ये याद रखिए R^4। फिर यहाँ पे 16वां क्वेश्चन जो बर्फ़ वाली सवाल है उसका नंबर ऑप्शन 0 डिग्री सेंटीग्रेड है।
17वां नंबर क्वेश्चन का 4F है, दो समांतर तार, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन का 4F बल लगेगा, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। और इसका 18, एक चालक में 3 mA की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें 1 मिनट में बहने वाली इलेक्ट्रॉन की संख्या लगभग कितनी होगी। तो यहाँ पर ये सूत्र लगा हुआ है, देखिए I बराबर Q अपान T और Q बराबर N E अपान T, ठीक है। N का मान निकालेंगे यहाँ से, N बराबर IT अपान, ये सूत्र लगा देना आ जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा, 18। और कोटिमान टेक्निक से लगाएंगे, ठीक है ना। जैसे इसका ऑप्शन अगर आ जाए 1.56×10^18, तो इसका ऑप्शन 10^18 लिखेंगे, ओके। अब देखिए 19वां नंबर क्वेश्चन हमारा है, ये प्रकाश की तरंग दैर्ध्य का जो है डी नंबर सही है, ठीक है, डी नंबर इसका सही है। फिर देखिए ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग थोड़ा स्पीड यहाँ पे ऑप्शन को दिखाते हुए आगे बढ़ेंगे। किसी क्षण एक कुंडली के साथ, कुंडली की जो सवाल का ऑप्शन है वो 0.2 mm वोल्ट है, 1 ओम प्रतिरोध के तार को इस प्रकार खींचा जाता है, उसका व्यास इतना है, तो 1% प्रतिरोध में परिवर्तन कितना होगा, 1% का। फिर देखिए ये व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित प्रश्न है, इसके मध्य कुल प्रतिरोध कितना होगा, 2 ओम। आगे की ओर बढ़ते हैं, अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। तो ये जो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी के लिए, इसकी दो विधि है लगाने के लिए, दर्पण की फोकस दूरी के लिए सूत्र ये ऑप्शन है N-1 × F, ठीक है ना। फिर देखिए ये जो है गुब्बारे की सवाल है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो ऑप्शन है वो 900 m³ है। फिर यहाँ देखिए 20 N का एक बल एक पिंड पर लगाया जाता है, पिंड की दिशा 45, तो बल द्वारा किया गया कार्य W बराबर F×D cos θ से ये लगा हुआ है, इस तरीके से 10√2 J आएगा, ठीक है। अब विपरीत होता तो माइनस, चूँकि दिशा में है इसलिए 10√2। चलिए क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं, अब हम लोग केमिस्ट्री को देखेंगे। केमिस्ट्री का यह सभी क्वेश्चन KK सर ने लगाया है, जो कि उनका चैनल हमारे इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम जो है केवल फिजिक्स और मैथ पढ़ाते हैं, तो ये सभी क्वेश्चन KK सर ने सॉल्व किया है। अब देखिए यहाँ पे निम्न में से किस युग्म में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न है, तो ये है Mg2+ Mn2+, ठीक है। इस तरीके से 27वें का द्रव्यमान संरक्षण के नियम से जल की स्थायी कठोरता निम्न की उपस्थिति में कारण होगी, तो यहाँ पे सोडियम एवं पोटेशियम के क्लोराइड एवं सल्फेट के कारण, ठीक है। ऑक्टेन संख्या का मान 0 है, आइसो ऑक्टेन। एप्सन लवण है Mg SO4 7H2O, ठीक है। तो ये सही होगा। इस तरीके से हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, फटाफट आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। निम्न में से कौन एक संक्रमण धातु नहीं है, तो लेड होता है। निम्न अभिक्रिया X का मान क्या होगा, 2, ठीक है, याद रखिएगा। टिंडल प्रभाव दिखाई देता है कोलाइडल विलयन में। निम्न में से कौन सा यौगिक आयनिक यौगिक है, KCl। एसिटिलीन में सहसंयोजी बंधों की संख्या कितनी है, 5, ठीक है। निम्न में से कौन सा गलत मिलान है, याद देखिए निम्न में से कौन सा गलत मिलान है, इस तरीके से हम इसे आगे देखेंगे। अब देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं, टेफ्लान एक बहुलक है, ठीक है, टेफ्लान एक बहुलक है, तो इसका ये ऑप्शन सही है, Cf2 ये वाला। और देखिए यौगिक का IUPAC नाम 2,3-dimethylbutane, और सारणी में सर्वाधिक ऋण विद्युत तत्व है फ्लोरीन, ठीक है। इस तरीके से ब्रोमीन की ऑक्सीकरण संख्या 7+ ये होता है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन है। अब हम लोग देखेंगे 41 नंबर में, एक नियत ताप पर किसी गैस के दिए गए भार का आयतन कितना है, बायल के नियम पर निर्धारित है ये। STB पर 16
16 ग्राम ऑक्सीजन का आयतन 11.2 लीटर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा चक्रीय यौगिक होता है? नियोपेंटेन। कार्बन का सर्वाधिक प्रतिशत उपस्थिति है एंथ्रासाइट कोल, ठीक है, याद रखिएगा। एक यौगिक का तुल्यांकी भार 9 है, इसके को क्लोराइड का सूत्र MCl3 है, उसका यौगिक 27 है। कैंसर के उपचार के प्रयुक्त में समस्थानिक है CO60। आगे देखिए रेडियो एक्टिव का एक गुण है नाभिक, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? ये होता है, ये याद रखिएगा, ये ऑप्शन मैंने दिखा दिया। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन से एक को छोड़कर सभी एल्केन श्रेणी में आते हैं? C4H6, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं, अब देखिए आयरन के ऑक्साइड का मूलानुपाती सूत्र होता है जिसमें आयरन 69.9% तथा ऑक्सीजन 30.1% है, Fe2O3। अब देखिए हम लोग गणित की ओर चलते हैं, गणित में हमारा बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये सॉल्व कैसे करते हैं, भाग में कर देंगे, ठीक है। साइन 45 अंश की वैल्यू होता है 1/√2 और साइन अंश हटाएंगे, पक्षांतर करेंगे तो 15 अंश आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे 52 नंबर रवि काम समय चाल समय से जो संबंधित है, काम समय से ये होता है 1.5 दिन, ठीक है। और ये नीचे दी गई जो आप देख रहे हैं इसका सवाल माध्यिका की सवाल है, इसका 35 किलोग्राम आएगा। फिर गोले का आयतन 4851 है तो 1286 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर है। आगे की ओर बढ़ते हैं, ये सवाल जो आप देख रहे हैं ये भारत भारती प्रकाशन की सवाल हैं और मैंने आज से करीब 1 साल पहले ही इन सवालों को सॉल्व करा दिया था, ठीक है। घातांक की सवाल हैं। अब देखिए ये जो है इसका जो ऑप्शन है वो 2i है, क्योंकि x+z की वैल्यू 2i होता है। फिर देखिए दो रेखाओं इतने और इतने के बीच कोण ज्ञात करनी है, तो ये सब जानते हैं, छोटा बच्चा भी जानता है, हाई स्कूल में है ये। अब देखिए यहाँ पे रेखीय है तो m की वैल्यू कितना आएगी, 7। समलंब का क्षेत्रफल सब लोग जानते हैं, यही होता है, ठीक है। फिर देखिए यहू भारत भारती प्रकाशन से संबंधित है, मैंने बताया था कि यहाँ पे ये और ये 55 नंबर सवाल 59 नंबर सवाल ये दोनों भारत भारती प्रकाशन की बुक से ये सवाल है, घातांक से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए 59 इसको जब सॉल्व करें तो 1 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए आगे इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका 27 हो जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका 2:3 हो जाएगा। ये लगाएंगे मस गुड़े लस पहला व्यंजक गुड़े दूसरा व्यंजक, तो यहाँ दूसरा व्यंजक सब का मान रख के जब काटेंगे दूसरा व्यंजक आ जाएगा इतना, ठीक है। यहाँ पे एक बिंदु इतना संरेखी है तो ये वैल्यू आएगी, ठीक है। द्विघात समीकरण इतने को हल करेंगे तो इसमें से कोई नहीं, ठीक है। अब आगे देखिए निम्न आंकड़ों का बहुलक है, जो ज़्यादा बार आए रहे वही बहुलक है, तो 49 ज़्यादा बार हो इसलिए 49 इसका बहुलक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 65, तो यहाँ पे जो ये ए नंबर है यही हो जाएगा इसका सूत्र, माध्यिका का सूत्र है सतत स्थिति में, ठीक है। आप जानते हैं माध्यिका या समांतर माध्य या बहुलक लगाने के 3 आंकड़े होते हैं, वर्गीकृत, सतत, असतत, तो सतत का यही सूत्र होता है, ठीक है। एक लंब वृत्तीय शंकु की त्रिज्या और इसकी अनुपात इतना है, तो तिर्यक ऊंचाई 26 सेंटीमीटर होगा। आगे देखते हैं इसको जब सॉल्व करेंगे तो 80 आएगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है तो परिमाप कितना होगा, इतना, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा 30 हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे 0 आएगा। 71 नंबर पतंग का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे 75√3 आ जाएगा। फिर आगे देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो इसमें से कोई नहीं मिलेगा, ओके। और वृत्त का क्षेत्रफल 100 पाई इतना है, इसको जब सॉल्व करेंगे 16 सेंटीमीटर, इसे सॉल्व करेंगे 0 आ जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे 3 आ जाएगा, और इसे सॉल्व करेंगे लॉग वाली जो सवाल है इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगी x+3y+z। 77 नंबर सॉल्व करेंगे आ जाएगा sec x + tan x, यही है हमारा सही आंसर। अब आगे देखिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं तो 2 आता है, यानी इसका मान निकालना होता है। फिर बेलन की सवाल को हल करते हैं 27:20 आ जाता है, ठीक है। घन का संपूर्ण पृष्ठ जब निकालते हैं तो 512 सेंटीमीटर
क्यूब, और इसे जब लगाते हैं तो ये बहुत ही दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र है, डी बराबर अंडर रूट एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर लगाएंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये इसका औसत चाल निकालेंगे तो 32 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। साइन 15 अंश की वैल्यू सब लोग जानते हैं, इतना आता है क्योंकि हाई स्कूल का क्वेश्चन है। ज़्यादा से ज़्यादा सवालें सरल हैं, 99.99% सवालें जो है ईजी हैं, 0.01% ही हार्ड हैं, ठीक है ना, यानी न के बराबर हैं। तो 84 में जो क्वेश्चन है वो ये है, वृत्त से संबंधित है, तो इसका आंसर निकालोगे तो कितना जाएगा, 70 लाख का जब कट्टम कुट्टा हो जाएगा सब इस तरीके से इसे हल करोगे, है ना। बेस आधार यहाँ देखो, ये बीस, ये सी और ये सी, ये कैंसिल, इसे कैसे लगाते हैं, जैसे लॉग ए, लॉग ए बीस भी है ना, तो लॉग ए अपान लॉग बी गुड़े लॉग बी अपान लॉग सी गुड़े लॉग सी अपान लॉग ए, तो इसे इसे कैंसिल, इससे इसे इसे कैंसिल, एक आ जाएगा, ठीक है ना। आगे देखिए, निम्नलिखित आंकड़ा का माध्यिका है 27.5, इसमें से सरल रेखाओं के बीच का कोण 30 डिग्री, आगे अगर सॉल्व करें इसका क्वेश्चन जो यहाँ पे का एक चौथाई है तो ये 60 आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं, 89 नंबर, इसे आप सॉल्व करेंगे, 1/कर्णी के अंदर 3, जब इसे सॉल्व करेंगे अर्धगोले का आयतन पूरे गोले का होता है 4/3 πr³, अर्धगोले का 2 से भाग देंगे तो इतना आ जाएगा, तो ये हमारा डी ऑप्शन सही है। फिर देखिए, इसको जब सॉल्व करते हैं तो आता है 4% की कमी, इसको सॉल्व करते हैं तो आता है √3 − 1/√2, और 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत क्या होगा तो 15 होगा। फिर देखिए, अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पे वृत्त का ये व्यास निर्देशांक है, वृत्त का क्वेश्चन लगाएंगे, वृत्त का जो सूत्र लगाएंगे तो ये आ जाएगा क्या, 5.3, दो संख्याओं के आयतन का जब यहाँ पे सूत्र लगाएंगे, अनुपात वाला क्वेश्चन है, तो आएगा 25:64, और इसे हल करेंगे तो 12 सेंटीमीटर, इस तरीके से इसे हल करेंगे 1/4, और इसे हल करेंगे तो x+3 x-9, इस तरीके से हमारा लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ये है इसका 0 आ जाएगा, और इसे सॉल्व करेंगे 40 आ जाएगा। यानी सभी लोग क्या करेंगे, अपने जितने भी क्वेश्चन किए हैं उसका हर क्वेश्चन का पहले आप जोड़ लीजिए कितना नंबर है, और उसके बाद ये देखिए मिलाइए कितने क्वेश्चन आपने गलत किया है, सभी क्वेश्चनों को जितने क्वेश्चन गलत किए हैं उतने ही घटा दीजिए, तो आपका नंबर आ जाएगा कि आपने कितना सही किया है कितना गलत किया है। सो नए हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक।